नहीं, ये इवोल्यूशन किसने देखा था अपनी आंखों से, उसका आपने नाम अभी कहा बताइए। भगवान का भी रिकॉर्ड है, कहां पे भगवान का रिकॉर्ड? देखिए सर, सर जब ये मतलब सामने वाले के लिए पूरा झूठ ही है, तो फिर ये मतलब इतना ये अच्छा अमित क्यों सर, करते? हमारे साथ ये भूदेव भी आ गए हैं, नवीन शर्मा जी। भूदेव जी एसके। हाँ भूदेव, मतलब भूदेव का ब्राह्मण मतलब देव। गुजरात में भूदेव अच्छा बोलते अच्छा हैं, अच्छा 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 हाँ, समझ गया। हाँ नवीन जमीनी शर्मा जी आ देवता। गया। जी एसके भी जी, हाँ अपने पॉइंट रखें, फिर इनसे बात करते हैं। हाँ ठीक है सर, अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। हाँ जी शर्मा जी बोलें। हेलो सर। हाँ शर्मा जी, हाँ जी बोलिए नमस्कार। सर। हाँ जी हाँ जी सुनता हूँ भाई, नमस्कार नमस्कार। सर। और सब हाँ जी कैसे हो? बस सब बढ़िया बढ़िया सर, हूँ आपकी भाई, कृपा है बस। आपकी आपकी कृपा है। सर गीता पर बात करनी है आपसे सर। हाँ बिल्कुल कर लेंगे सर, हाँ बिल्कुल कर तो लेंगे, मुझे बोलिए बात ना करनी है जगदीश जी। पांचाल जी से, बात करनी है। अच्छा बोलिए सर। मेरे से नहीं चलो करोगे? सुबह अमित एक ही तो तिवारी कर सर से पाऊंगा भी इस कर समय लो में यार। सर, एक समय में अच्छा एक ही तो चलो कर ठीक, पाऊंगा जी, अच्छा तो चलो अमित फिर तिवारी उन्हीं सर से से ही भी कर कर लो, लीजिए, चलो उनसे कर जारविस लो सर सर। से ही कर लो। बोलिए भाई, बोलिए एक नवीन समय में एक ही सर। तो कर पाऊंगा बात। हाँ हाँ ठीक है कर ठीक है, लीजिए चलो ना, मैं अभी जारविस म्यूट सर पे से जा रहा कर हूँ। लीजिए आप, हम म्यूट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, साउंड बहुत आ मेरे रहा है साथ बहुत। ना, मेरा दिल टूटते रहता है बहुत। हाँ सर, तो जानिए सर मेरा आपसे क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, सुन रहा हूँ। ये हमारा वॉकी टॉकी नहीं है कि ओवर एंड आउट बोलना पड़ेगा, आप बोलिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अर्जुन ने ये कब कहा गीता में कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, पूरी गीता में उसकी असल में उसकी दिक्कत क्या है ये बताइए, अर्जुन की, सर प्लीज अर्जुन की जाके दिक्कत क्या है पहला गीता में? अध्याय अर्जुन नहीं नहीं विषाद योग अब पहला अध्याय पढ़ के आइए, वहीं पे वो बोल रहे हैं कि सामने मेरे चाचा भतीजे मामा माँ मौसा भाई भाई वगैरह सब कजिन वगैरह खड़े हैं, तो मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, यहाँ तक वो बोल रहा है, गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं करना हाँ, चाहता बहुत बढ़िया। केशव, इससे बेटर है कि मैं, सुनिए, इससे बेटर है कि मैं भीख मांग लूं, यहाँ तक तो वो बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं बोलिए। जी, तो अर्जुन की असल में दिक्कत ये है कि मेरे सामने मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता। सगे संबंधी ना होते तो युद्ध कर लेता, तो मैं टुकड़े टुकड़े कर देता। दोनों असल में क्या असल में डिफरेंस रहा? जो क्या समस्या अर्जुन को? नहीं है एक वो मिनट, सगे संबंधी की है। अर्जुन को पता नहीं था शर्मा जी, अर्जुन को पता नहीं था कि वो जिस संपत्ति के लिए युद्ध करने जा रहे हैं, जो उनके साथ अन्याय हुआ सो कॉल्ड, तो वहां सामने तो सगे संबंधी ही होंगे, उनको ये ऐसा तो नहीं था कि ये उनसे छुपाया गया था कि सामने कौन होगा, मेरे से बात बाकी नहीं करोगे पैनलिस्टों ना, को ऐसे ही आवाज आ होगा। रही थी। अरे बाप निकट रे, रहा था श्राप लग। उनका आवाज, और मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या 10 मिनट पहले। मैं ब्लैंक हो गया एकदम से, मतलब मेरा भी ऐसा ही हुआ, पर मुझे लगा फिर ऐसा नहीं रहा कि मेरा ही नेटवर्क डाउन हुआ। इतना बेसिक क्वेश्चन। अरे आ हाँ गया इतना साला। बेसिक देखिए क्वेश्चन पूछे। यस सर, क्या खिदमत कर सकते हैं, बोलिए। सर, आप बातों को लंबा मत खींचिए, आप पॉइंट पे बात करिए। जो आपका खींचने दो जो ना सर मेन, लंबा, नहीं नहीं सर वो लंबा तब तो खींचना मेरी है सर बारी तो मैं आएगी, आप लोग अपना अपना बात कर लोगे बस। चलिए ठीक है सर, थोड़ा एट्रैक्टिव पार्ट भी रहना चाहिए ना डिबेट में लड़कों लोगों को। तिवारी ये बात करनी है जी ना तिवारी जी, लड़के शायद डिस्कोथेक में है शायद। शर्मा जी नहीं नहीं पीछे नहीं से नहीं सर। म्यूजिक की आवाज आ रही है, हाँ म्यूजिक हाँ की आवाज आ रही है। नहीं, वो तो बराबर में चल रहा है एक। शर्मा हाँ के हो अब गए आ यार, रही शर्मा जी यार, शर्मा आ गए डिस्कोथेक के नाम से, शर्मा आ बात। गए आप। हाँ तो अब तो आ रही है आवाज आपको। हाँ एकदम परफेक्ट। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि शांति का प्रस्ताव लेके कौन गया था हस्तिनापुर। कृष्णा, हाँ तो
तो ये जो शांति के प्रति आपको रोकूंगा, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, सवाल जवाब मत करिए यहाँ पर। हाँ, आप मेरी एग्जाम लेके सर्टिफिकेट देने वाले हैं कुछ? अरे आप बात करिए, नहीं 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 मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, आप सवाल जवाब मत करिए यहाँ पर। आपकी जो बात है आप मेन पॉइंट पे, सर तिवारी सर, सर मुझे मेन पॉइंट पे आइए, सवाल जवाब नहीं कर लेने दो सर, लेने दो थोड़ा सा लेने दो तिवारी जी को, और शर्मा जी थोड़ा शॉर्ट में और मेन पॉइंट पे आए, वो भी सही है। मैं कह रहा था जो शांति का प्रस्ताव लेके जा सकता है वो युद्ध के लिए उकसा सकता है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं इससे, आपका मेन पॉइंट बताइए। मेरा मेन पॉइंट ये है कि कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया नहीं था युद्ध के लिए। ठीक है, क्या किया हाँ, हमें कोई इश्यू नहीं है, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है जातिवाद से। अगर आपको अच्छा जातिवाद पे आओगे, लेकिन अच्छा जातिवाद पे आओगे तो अच्छा ठीक है, तो जातिवाद की बात कर लेते हैं फिर। ठीक है, आप कह रहे हो कि गीता जो है वो जातिवाद को सपोर्ट करती है ना? तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जातियाँ किस में होती हैं? धर्म में होती हैं ना? गीता में कहीं भी हिंदू लिखा है? कहीं भी ब्राह्मण लिखा है? ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, ये बताओ ना। मैंने आपसे क्या पूछा पहले? तो मैं हिंदू शब्द नहीं, गलत, हिंदू शब्द इंडियन है ही नहीं, ये तो फारसी शब्द है। आप भारतीय, न्यूटन जी को हिंदू नहीं बोले। एक मिनट मैं एक से बात कर रहा हूँ पहले मुझे एक सी करने दो, आप एक साथ बोलिए बीच में। ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा एक एक करके। पहले मैं जरूरी पांचाल जी से बात करना चाहता हूँ। मेरे से भी करोगे ना पक्का? हाँ करूंगा बाद में, पहले इनसे कर लूँ। हाँ तो सर मैं कह रहा था गीता अगर जातिवाद को सपोर्ट करती है तो जातिवाद से पहले धर्म को करेगी ना, क्योंकि जातियाँ धर्म होती है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप कहते हो ब्राह्मण धर्म है ये, वो ब्राह्मण ये वो है ग्रंथ जितने भी हैं, तो ब्राह्मण तो अपने धर्म को पहले उसने मेंशन करेगा ना, जो भी लिखेगा वो ग्रंथ अपनी जाति से पहले। तो हाँ, तो आगे बोलिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिसने अपने धर्म को मेंशन नहीं किया उसमें ग्रंथ में, वो अपनी जाति को सुप्रिया कैसे बता सकता है, क्योंकि जाति और धर्म में ही होती है। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि ब्रह्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू धर्म में ही होते हैं, ये कैसे कह सकते हो? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा, वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म व्यवहारः। हाँ मैं बताता हूँ आपको, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म व्यवहारः। ठीक है, अच्छा आप क्रिश्चियन हो क्या? क्यों बताइए ना। क्यों जी सर, आपको क्यों कैसे लगा बताइए ना। नहीं आपको कैसे लगा, क्रिश्चियन नहीं हिंदू हूँ मैं। नहीं इसमें तो एस के सर लिख रहे हैं हिंद कि आप क्रिश्चियन हो, आप क्या हो, आप किस धर्म से हो? मैं हिंदू धर्म से हूँ, पहले ही बता चुका हूँ मैं। अच्छा हिंदू हो आप? हाँ, तो मेरी बात पूरी एक मिनट सुनिए, आपने खुद ही कहा कि भगवत गीता में तो हिंदू शब्द आया ही नहीं, तो इसका मतलब भगवत गीता आपकी किताब नहीं है ना? हमने उसको माना है ना सनातन धर्म है हमारा। एक मिनट, आप हिंदू हो कि सनातनी, क्या क्या धर्म क्या है आपका? सनातन, सनातन, सनातन। अच्छा तो सनातन शब्द कहाँ पे आया है आपके, कौन से धार्मिक किताब में? हर में किसी ने भी ले लो, कौन सा फिर भी का नाम बता दीजिए ना, तो मैं यहीं खोज देता हूँ अभी यहीं। सनातन को संस्कृत में कहते हैं शाश्वत। नहीं नहीं सनातन वो तो मेरे को भी पता है सर, मेरे को पता है सनातन कमीनी, सनातन का अर्थ मैं जानता हूँ सर। तो आपके किस धार्मिक शास्त्र में सनातन शब्द आया है थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे ना कि आपका धर्म सनातन धर्म है और वो आपकी धार्मिक किताब है। क्योंकि बकौल आप ही के हिंदू शब्द चूंकि गीता में आया नहीं तो वो आपकी किताब तो है ही नहीं, तो फिर गीता पे क्यों बात कर रहे हैं, सनातन पे कर लेते हैं ना थोड़ा बात। मतलब आपका धर्म का जो नाम है, हाँ जी सनातन धर्म ही है, सनातन सनातन धर्म। आपकी किस धार्मिक किताब में सनातन शब्द आया है वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सनातन शब्द हिंदी का शब्द है, संस्कृत में शाश्वत बोलते हैं, शाश्वत। सनातन शब्द तो किसका शब्द है? सर एक मिनट, अब वो बोल रहे हैं कि वो हिंदी वर्ड है सनातन, हिंदी वर्ड है, तो हिंदी भाषा तो यार मुश्किल से 100-150 साल पुरानी भाषा है। तो इससे क्या हुआ? तो आपका धर्म का जो नाम है जिस भाषा में आ रहा है वो 150 साल पुरानी भाषा है, आपके धर्म का नाम क्या है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सनातन नहीं है, कह तो रहे हैं नहीं तो है? सनातन भाई, सनातन किसी धार्मिक किताब में तो आया होगा ना। अब जैसे इस्लाम है तो वो कुरान में आई है वो बात, ईसाइयत है तो वो उनकी किताबों में आई है सब बात, तो आपके धर्म का नाम क्या है सर एक्चुअल में? मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा कि भाई गीता में हिंदू शब्द आया है क्या? नहीं आया,
इसलिए पूछ रहा हूँ बस आपसे। मैं कह दो रहा हूँ, हिंदी में शाश्वत बोलते हैं सनातन को, संस्कृत में नहीं। तो आपके किसी धार्मिक किताब में दिया तो होगा ना कि ये एक सनातन धर्म की किताब है। तो बता दो रहा हूँ मैं, शाश्वत का मतलब सनातन होता है हिंदी में उसका अर्थ। अरे भाई तो शाश्वत सनातन आप बोले ना अपने धर्म का नाम, ठीक है। हाँ इन्होंने सनातन सनातन धर्म को नया नाम दे दिया है शाश्वत धर्म। हाँ हाँ जो शाश्वत तो जो हमेशा से है, हमेशा से अच्छा, है जो हमेशा से है वो आपका धर्म है जो हमेशा से है। हाँ, हमेशा तब से है। से मतलब सर फिर भी कोई, मतलब ना जिसका कोई आदि है ना जिसका कोई अंत है। मगर ये जो यूनिवर्स है इसका आदि तो है, ये तो हमको पता ही कि कब शुरू हुआ है, अब तो वरुण तो आपका बात कर मतलब लो कब से होगा। हाँ सर, आपने टॉपिक चेंज कर दिया, पहले वरुण की बात करो ना, किस नहीं ये जातिवाद पर, धीरे धीरे जातिवाद करेंगे पर। ना सर, वो जातिवाद पे भी आऊंगा सर। आप जो बात नहीं जवाब नहीं दे पाओगे ऐसे थोड़ी ना होता है कि सर वो वाला ये वाला मत करो वाला करो। मतलब शाश्वत में जानना चाह रहा हूँ भाई कि आपका धर्म चालू कब से हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब इंसानों के आने के से चालू हुआ है कि इंसानों के आने के पहले से हो गया है। इंसानों के आने के बाद ही हुआ है। अच्छा तो कब आए थे इंसान, कब आए थे? 3.5 अरब साल पहले, 3.5 अरब 3.5 बिलियन ईयर पहले इंसान आ गए थे। 3.5 बिलियन ईयर पहले लाइफ ना सिंगल सेल थी, इंसान तो अच्छा सर छोड़ो मैं आपसे, सिंगल सेल थी लाइफ। तो सर मैं वो आपसे जो एक मिनट सुनो ना, वो जो सिंगल सेल थे वो क्या थे? हिंदू थे वो, सनातनी थे, जो हमेशा से सनातनी थे ना। अच्छा हाँ। उसके बाद में फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो फिर एक जानवर आया था, उसका नाम था डायनासोर। वो क्या था डायनासोर? इंसान जानवर बन गए। आपने कहा कि इंसान जो है उसके आने के पहले से 3.5 अरब साल बोले ना, तो 24.5 करोड़ साल सुनो ना 24.5 करोड़ साल पहले से लेके 6.5 करोड़ साल पहले तक ये जो पृथ्वी है ना इसमें जो जानवर घूमते थे उनको कहते थे डायनासोर, रेप्टाइल्स थे, बहुत बड़े बड़े टीरेक्स देखे भी होगे आप अच्छा फिल्मों में। हाँ, तो वो क्या थे मतलब? फिल्मों में सनातनी थे, फिल्मों में ही तो देखोगे। अरे तो 6.5 करोड़ साल पहले वो खत्म हो गए सर, तो फिल्मों में ही देख पाओगे आप बस उस। अच्छा तो वो क्या चीज़ थे? वो क्या थे? आप कुछ पढ़े लिखे हैं आपको कभी पढ़ने में बहुत पढ़े लिखे हैं सर ये? नहीं 3.5 अरब साल बोल दिए ना, उसी से ही समझ में आ गया था मेरे को काफी, मतलब ये इनका ज्ञान बहुत अथाह है। सनातन ज्ञान है इनका, सनातन। तो आपने देखे तो वो क्या थे सर? सर वो क्या थे, वो जो डायनासोर थे वो क्या थे सर? मैं सर इंसानों की बात कर रहा हूँ, मैं जानवरों की बात कब की? इंसान 3.5 अरब साल पहले नहीं था सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंगल सेल था लाइफ का। अच्छा फिर इंसान कैसे आए थे? इंसान जो है इसको हिंदी में हम इस फिनोमिना को कहते हैं क्रमिक विकासवाद, इवोल्यूशन। अच्छा जो आप हो ना जैसे आप दिखते हो ना जैसे, तो इस तरह के इंसान तकरीबन 3 लाख साल पहले जो सबसे पुरानी खोपड़ी मिली है अफ्रीका में वो 3 लाख साल पुरानी मिली है। अच्छा तो वहां से आपको शुरू करना चाहिए। आप 3.5 अरब ना थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए थे, तो 3 लाख आप बोल रहे होगे शायद। तो ये कह रहा हूँ मैं, जानवर से इंसान बना था है, इवोल्यूशन हुआ सर। किसने देखा था सर ये वैसे अपनी आंखों से? पूरा फॉसिल रिकॉर्ड है सर, देखा किसने? नहीं सुनो ना, कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड है, कंप्लीट इसका फॉसिल रिकॉर्ड है भगवान का। कहाँ है? नहीं ये इवोल्यूशन किसने देखा था अपनी आंखों से? आपने अभी कहा भगवान का भी रिकॉर्ड है, कहाँ पे भगवान का रिकॉर्ड? देखिए सर पहली बात फॉसिल रिकॉर्ड सर, फॉसिल रिकॉर्ड याद रखें सर, भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड है, यानी भगवान मरता भी है। अच्छा इनको यहीं पे रोको, मैं इनको ना पूरी जो फॉसिल हिस्ट्री है ना
अर्थ की वो दिखा देता हूँ जो इंसान होगी जब तक ग्यारहवीं जी आप इनसे बात कीजिए। अरे शर्मा अच्छा आप ये बताएं भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड बताएं शर्मा जी, दिखाएंगे वो भी दिखाएंगे फॉसिल रिकॉर्ड बताएं शर्मा जी। आपने ये बोला कि जो चीज किसने देखा इवोल्यूशन को, तो जो चीज दिखती है अगर आप वही मानते हैं, हाँ तो जो चीज दिखती है आप वही मानते हैं ना, आईने में खड़ा रख के देखिए आपके अंदर दिमाग है दिखता है वो, आपके दादा के दादा या परदादा आपको दिखे हैं कभी? अच्छा, क्या वो नहीं थे? तो हर चीज दिखने से ही नहीं मानते, काफी चीजें अनुभव में आती है, काफी चीजें को मानना। अच्छा फिर आप ये क्यों कहते हो भगवान दिखता नहीं है तो मानेंगे नहीं हम? क्योंकि उनका कोई साक्ष्य नहीं है, चलो वो सामने नहीं आए लेकिन उनका कोई साक्ष्य भी नहीं मिल रहा है। तो इवोल्यूशन का साक्ष्य क्या है? साइंस ने साबित कर दिया है, और साइंस ने साबित कर दिया है सर कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। नहीं उसका प्रूफ क्या है? उसके लिए तो आपको उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए साइंटिफिक बुक्स को। आपने तो पढ़ा है, रवि शर्मा जी देखिए, रवि शर्मा जी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, आप मुद्दे पे बात करिए, अगर आप ऐसा बात करेंगे तो फिर देखिए टाइम नहीं काटना ना यहाँ पर। तो सर मैं भी तो कह रहा हूँ कि किसने देखा था इवोल्यूशन, ये पृथ्वी को बनते हुए किसने देखा था, कहाँ पर बनी थी, जगह का नाम क्या है? सर सुनिए ना सर, बनने से पहले आजा जी इनको म्यूट कर दो मिनट लिए। देखिए शर्मा जी ऐसा है, डार्विन की थ्योरी जो है ना एवोल्यूशन, उसके आधार पे ना जो आप बायोलॉजी है ना वो पूरी टिकी हुई है। जब आप अभी जाते हैं पैरासिटामोल की दवाई लेते हैं, कोरोना के वैक्सीन लगाते हैं ना, जो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी से जो मेडिकल साइंस जो निकला है ना, तो उसका जो आधार शेयर कर दो तो आप ना थोड़ी पढ़ाई लिखाई अच्छा, चाहिए। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी सर का सुपर स्टिकर आया है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी सर आपका बहुत शुक्रिया। ये आ गई ना मेरी स्क्रीन सामने में जी, प्राइम मास्टर गोगो जी लिख रहे हैं, एक मिनट सर, प्राइम मास्टर गोगो जी लिख रहे हैं इनके लिए, एवोल्यूशन तेरी शादी होगी तेरे को पता चल जाएगा एवोल्यूशन कैसे होता है। ये देखो भाई, ये पूरा एक ह्यूमन हिस्ट्री का एक फॉसिल रिकॉर्ड है, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना कि जो होमो सेपियन जैसे दिखने वाली जो खोपड़ी है, अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो जगह है ना जिबिल इरहूद, तो ये जो खोपड़ी मिली है इसको देख, ये आज का जो आपका होमो सेपियन है ये बिल्कुल इसी के जैसे खोपड़ी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा ये अफ्रीका में ही आप देखो ये फॉसिल रिकॉर्ड आपको मिलता है। फिर इथियोपिया में अगर आप देखोगे तो ये 1,95,000 साल पहले, हम ये मानते हैं कि जो होमोसेपियन हम आज हैं ये एग्जैक्टली यहीं से इवॉल्व हुए थे। ये जो जिबिल इरहूद की खोपड़ी है ये काफी मिलती जुलती है, तो शायद वो हम ये भी कह सकते हैं कि इवोल्यूशन शायद सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा था, वो अफ्रीका के हर तरफ में हो रहा था। ये हमको दिखाई देता है, ये अच्छा खासा एक रिच फॉसिल रिकॉर्ड है। शर्मा जी अगर इसको चाहे ना तो बाद में जाके गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी सर, बात इन्होंने मेरे से ये पूछी, सुनते जाइए, आपके अकेले के लिए नहीं रहती सर स्ट्रीम, दूसरों के लिए भी रहती है, दर्शक भी देखते हैं। सुन तो रहा हूं सर। अब सुनते जाइए बस। तो ये मेरे से ये पूछे इन्होंने कि भाई ये तो अगर आपने किसी को खोपड़ी दिखा दिया तो उससे कैसे पता चलेगा? तो भाई एक जीनेटिक साइंस होती है, तो जीनेटिक साइंस का भी एक लॉजिक होता है समझे, और उसमें हम जो एम्प्टी डीएनए है उससे हम ये बात को देखिए, ये एम्प्टी डीएनए, मैं थोड़ा सा मेरा पेन ठीक काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं एग्जैक्टली दिखाता। तो ये एम्प्टी डीएनए जो होता है ये सेल के बाहर होता है। ग्रेट अशोका जी लिख रहे हैं, अमित भाई इवोल्यूशन वैशाख नंदन को सिखा रहे हैं। नहीं मैं बाकी के दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ ना एक्चुअल में, तो एम्प्टी डीएनए जो होता है ना, हाँ ये इसका ये माँ से जो है ये हमको पास ऑन होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के, और उन 23 में एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम का, ठीक। तो अगर वो एक्स एक्स होता है तो वो हो जाती फीमेल, एक्स वाई होता है तो वो हो जाता है मेल,
ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे एम्प्टी डीएनए की जो लाइन है जो माँ से पास ऑन होती है, वैसे ही एक होता है वाई क्रोमोसोम का लाइन, ठीक, जो कि बाप से पास ऑन होता है। और यहाँ पे जितने भी हम पैनल में जितने लोग बैठे हैं, इसलिए हम जो हमारा जीनोम डिफरेंस है वो सिर्फ 0.1% ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो बोल रहे थे कि कहाँ से बना, तो और अगर आप देखोगे मैं, ये हैप्लो ग्रुप भी होते हैं, इससे हमको ही पता चलता है। अब ये पता नहीं हैप्लो ग्रुप जैसी चीजें शर्मा जी कभी सुने भी होंगे कि नहीं, मैं लोगों के लिए बता देता हूँ भाई मैं। तो एमटी डीएनए का जो हैप्लो ग्रुप होता है, वैसे ही वाई क्रोमोसोम का हैप्लो ग्रुप होता है। और दरअसल हमको इसलिए ये पता चल रहा है कि ये जो सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड से ही नहीं, जीनेटिक साइंस भी हमको बताता है कि अफ्रीका में कम से जो जितने भी हैप्लो ग्रुप्स है ना, उनकी पेरेंटल लीनिएज अफ्रीका में ही जा रही है। ये सीधा यहीं पे ही हमको सब जो पेरेंट जो मिल रहा है वो यहीं पे मिल रहा है। तो इसलिए हम ये बड़ी आ, 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 सबूत के साथ में कह सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, और ह्यूमन इवोल्यूशन जीनेटिक से भी प्रूव होता है, और जो हमको फॉसिल रिकॉर्ड अफ्रीका के मिलते हैं उनसे भी ये पता चलता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। सर ये है कहानी। अब मैंने आपको एक मिनट रुक जाओ, मैंने आपको ना पूरा अभी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने आपको क्रैश कोर्स दे दिया ना, अब आप थोड़ा भगवान का थोड़ा इवोल्यूशन बता देते तो अच्छा रहता। नहीं, मैं इवोल्यूशन भी बोलूंगा आपसे, ठीक है। अच्छा, अभी भी आप मेरे से बोलोगे इवोल्यूशन भी? हाँ, इवोल्यूशन नहीं, भगवान का इवोल्यूशन नहीं सर, ये भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड दिखा रहे थे। हाँ, फॉसिल रिकॉर्ड दिखाने वाले थे। हाँ, ये भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड की बात करता हूँ, इवोल्यूशन की बात करता हूँ आपसे, ठीक है। नहीं नहीं, पहले भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड दिखा दो यार। अब तो आप भी दे दो ना, किसने बता, किसने देखा इवोल्यूशन होता हुए, आप भी बता दो। अरे इतना बड़ा फॉसिल रिकॉर्ड भी तो दिखाया यार मैं, अब थोड़ा सा दिखा दो। माने कैसे फॉसिल रिकॉर्ड? हाँ, ये बताइए सर, डार्विन ने अपनी आंखों से देखा था किसी जानवर को इंसान बनते हुए, ये बताइए। अरे यार सर, हमको कुछ नहीं पता फॉसिल होता क्या। आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर थे, ये हमको कैसे पता चला? ये कैसे पता चला हमको? ये तो सर ऐसे ही पता चला जैसे बुद्धू का पता लगता है। किसका लगता है? देखिए सर, कोई भी चीज है उसका पता तो ऐसे लग जाएगा कि जैसे कि गांधी जी थे मान लीजिए, हैं तो गांधी जी नहीं, गांधी जी नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ डायनासोर का एग्जिस्टेंस था ये हमको कैसे पता चला, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। किसी ने देखे होंगे सर, वो किसी ने देखे होंगे डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले मर गए डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले गायब एक्सटिंक्ट हो गए वो। अमित सर मेरे को लगा मेरे को पत्थर से सर मारना पड़ेगा। हाँ, एक बात बताइए, मुझे लगता है पत्थर से सर मारना पड़ेगा मेरे को। आगे भी जाता है क्या? क्या इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इंसान पर ही रुक जाता है, इंसान से आगे जाता है। भैया इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है आपके मेरे अंदर में, इवोल्यूशन बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जी सर, नमस्कार अमित सर। 6.5 करोड़ साल पहले ना, सुनो एक चीज मैं बता रहा हूँ, 6.5 करोड़ साल पहले। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी सर नमस्कार, आपको लेंगे सर, आप बने रहे हमारे साथ। वर्ल्ड ह्यूमैनिटी सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। 6.5 करोड़ साल पहले सुनते जाइए ना, 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, एक ना स्पेस से एक मीटियोर आके गिरा, ठीक है। उस मीटियोर के गिरने से आप ऐसा मान के चलो कि करोड़ों जैसे न्यूक्लियर बम फट गए, ठीक। उससे क्या हुआ कि जो पूरी पृथ्वी है ना, उसका जो पर्यावरण है वो इतना खराब हो गया कि डायनासोर धीरे धीरे करके मर गए। लेकिन सुनते तो जाओ, इंसान पे भी आऊंगा, अभी 6.5 करोड़ साल से ना लेके आपको यहाँ तक आना है भाई, तो मेरे को तो टाइम तो दो आप। सर मैगी नूडल समझ रखा है इन्हें, तो सीधा 2 मिनट में सब कुछ चाहिए। तो क्या हुआ कि जैसे आपका ऊद बिलाव होता है ना, ऊद बिलाव,
उस तरह का एक जानवर हुआ करता था। वो क्या है, वो जमीन के अंदर में रहता था, अगर वो जमीन के बाहर में रहेगा ना तो वो जो बड़े बड़े जो घूम रहे थे वो उसको खा जाते, ठीक है। लेकिन अच्छा। जब उन वो एक्सटिंक्ट हुए तो वो ना बाहर आने लगे, ठीक है। तो वो पहला बना मैमल, ठीक है। उस मैमल से धीरे 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 करके आज आप और मैं जो है वो हमारा पूर्वज था वो, समझ के चलो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने में एक चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखो। अब इसमें देखो मिलियंस ऑफ ईयर लिखा है ना, मिलियंस ऑफ ईयर यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरी एक फॉसिल की हिस्ट्री है जिससे हमको ये पता चलता है भाई कि हम हमारा जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है। कई लोगों को लगता है कि जो हम जो चिंपांजी है उनसे इवॉल्व हुए, नहीं, चिंपांजी और हमारे पूर्वज एक थे, फिर इनमें एक अलगाव हो गया। इवोल्यूशन जो होता है ना वो पेड़ के ब्रांच के जैसा होता है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, उस तरह से होता है ना। और ये कंप्लीट एक फॉसिल रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत अगर डिटेल में समझाऊंगा ना तो शायद आप समझ ही नहीं पाओगे। तो अब मैं थोड़ा सा ये बता देते कि भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड कहाँ था यार, मैं वहां पे आना चाहता हूँ। सर आपको मैं एक चैनल का नाम बताता हूँ, ठीक है। चैनल नहीं, आप बताओ, मैं कोई चैनल जाके देखूंगा यार, बताओ आप। अरे, सर चैनल का नाम मत बताओ यार, उसका नाम है चैनल आर्यावर्त जनरेटर। चैनल का नाम मत बताओ शर्मा जी, मैं कोई चैनल नहीं देख पाऊंगा, आप बताओ ना कि कैसे, मतलब देखो आप यहाँ पे आए, जार्विस सर से आपने पूछा कि कृष्ण तो भाई वहां पे युद्ध विराम कराने गए थे, शांति चाहते थे, है ना, तो वो कोई युद्ध करा देते, तो यार आप तो ऐसा बता रहे हो जैसे कृष्ण को आप देख लिए थे ना, आपके सामने हो रहा था जैसे सब चीज। अच्छा चलो मान भी लिया कि चलो आपकी किताब में कहीं लिखा है, आप थोड़ा सा मेरे को बता दो कि कोई उसका अपने को सबूत मिलता है क्या हिस्ट्री में। मुझे इवोल्यूशन किसने देखा, मुझे ये बताइए भाई। ये आपको इतना खोपड़ी खोपड़ी जो दिखा रहा हूं मैं, वो क्या है वो, मैं थोड़ी ना बनाया हूँ इसको अभी। अरे यार मैं आपको जेनेटिक भी तरीके से बता दिया। अमित सर शर्मा जी से एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों की सबकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ सर बताएं। हाँ सर बोले इनसे। हाँ मैं शर्मा जी से एक बात करना चाह रहा हूँ, वो इवोल्यूशन पर और इस पर जो है ना, जो विकासवाद है और प्रति उत्पन्न संवाद है, उस पर शर्मा जी से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी इजाजत हो तो कर लूँ क्या सर? हाँ करिए सर, बोले। अच्छा शर्मा जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपकी एज अभी कितनी है शर्मा जी? 27 27 साल के हैं आप, ठीक है। हाँ। सर शर्मा जी जब आप 5 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, उसका कोई आपके घर में आपका पुराना फोटो है आपके पास? हाँ है, है? अब उस फोटो हाँ। को आप देखेंगे और खुद को अपने आप को आईने में देखेंगे, दोनों को, फोटो को भी आईने की तरफ करना और खुद को भी आईने के सामने खड़ा करना, तो जो फोटो है वो शर्मा जी और आप शर्मा जी क्या एक ही हैं? इंसान ही है दोनों, जानवर नहीं है सर, इंसान ही है दोनों। सर इंसान ही है आप दोनों, ठीक है, मैंने मान लिया आप दोनों इंसान ही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके शरीर में, आपकी मानसिकता में, आपके शारीरिक ढांचे में, आपके बचपन के फोटो में और आज के, आज जो आपकी 27 साल की उम्र है, उसमें कोई आप भेद मानेंगे या उसमें कोई परिवर्तन हुआ हुआ आपको दिखाई देगा कि परिवर्तन कुछ हुआ है? हाँ सर, आपके आपके 5 साल के फोटो में और 27 साल के फोटो में जो आपका चेहरा है उसमें कोई परिवर्तन आपको नजर आएगा? बदलाव कुछ है? बदलाव कुछ? हाँ, जब मैं 5 साल का था तब भी मैं इंसान ही था। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, एक मिनट सुनो, आप तब भी इंसान थे, आज भी इंसान ही हो। मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ कि परिवर्तन होता कैसे है।
मैं ये कह रहा हूं कि परिवर्तन होता कैसे है कि जब आप पैदा हुए तो आप अपनी माँ की गोद में आए, हम सब जाते हैं तो आप अपने बिस्तरों में ही पेशाब करते थे, बिस्तरों में ही लेटरिंग करते थे, आज तो नहीं करते। आज क्यों नहीं करते? क्योंकि आज आप में परिवर्तन हो गया है। अरे सर, मेरी पहली है सर, जानवर तो नहीं थी सर, हम थे तो इंसानी। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान तो आप अपने आप को मान रहे हैं ना, कि इंसान तो जो आप अपने आप को मान रहे हैं कि जो इंसान जिस तरह की आपकी विचारधारा है, वो इंसान तो जानवरों से भी गया गुजरा है, क्योंकि जानवर जो है वो बिल्कुल रियलिटी पर भरोसा करता है। आज भी एक चूहे के सामने है ना, एक बिल्ली के सामने नकली चूहा रख दो, उसको छुएगी भी नहीं है वो बिल्ली, वो जानती है कि ये नकली है। लेकिन आप तो नकलीपन पर उतर रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं ये कह रहा हूं कि आपके बचपन के फोटो में आज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अभी बात हो रही है इवोल्यूशन पर, विकासवाद पर बात हो रही है, तो जो विकासवाद है वो इस तरह से काम करता है कि जब आप 5 साल के थे, 2 साल के थे, 10 साल के थे, और अभी भी आप में वो परिवर्तन हो रहा है। अगर आपको अपने 5 साल के फोटो में कोई परिवर्तन, 5 साल के फोटो में और आप 27 साल के फोटो में आपके में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, यही विकासवाद है, आप उसे समझने की कोशिश करें, बस इतना सा कहना है। अच्छा सर, ये बताओ, ये कृष्ण, ये जो कृष्ण है, ये बहुत सही कहा, बहुत सही कहा बर्ड ह्यूमैनिटी सर, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। इनको समझाने के लिए फिलहाल इनको तो एवोल्यूशन की एबीसीडी भी नहीं पता, और अमित सर उनको ग्रामर समझाने से चले थे। आपको पता सर, लेकिन इनको पता है या नहीं पता? मैं उस बारे में नहीं भाई साहब, आप भगवान का ये फॉसिल रिकॉर्ड दिखाओ ना, फॉसिल रिकॉर्ड दिखाओ भाई, वो उस पता है, हम सही सवाल उनसे नहीं पूछ पाए अभी तक। और उसके अलावा मुझे एक चीज कहनी है कि शर्मा जी को देख के मुझे रिवर्स इवोल्यूशन तो दिख ही रहा है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था सर, कृष्ण मतलब ये कितने साल पहले हुए होंगे? जैसे आपने बताया कि 3.5 अरब साल पहले इंसान था, जबकि आपने खुद भी नहीं देखा था उस समय तो उस इंसान को, तो लेकिन आपने फेंक दी लंबी से, तो चलो कोई बात नहीं। तो कृष्ण कितने साल पहले थे सर, कितने करोड़, हजार, लाख, मतलब कितना जानवर से इंसान कब बना था सर? वैसे सर कृष्ण का बताइए ना। अच्छा चलो, किसी ने नहीं देखा, अच्छा सुनो ना, किसी ने नहीं देखा, चलो आप बताओ कृष्ण जो है ये कितने करोड़ साल पहले थे? मैंने क्या पूछा, जानवर से इंसान कब बना था? डार्विन ने जीवी तो मेंशन किया हुआ ना, आपको नहीं समझ में आएगा सर। सर मतलब आप ना क्लास 1 में हो और क्लास 12th का क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, आपको नहीं समझ में आएगा सर। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हम ना मतलब एक सिंपल चीजें आपसे बस पूछें। शर्मा जी आप कितना पढ़े हैं, इतना बता दीजिए पहले। कल आऊंगा सर, मैं कल आऊंगा, ठीक है, जाना है मुझे, ठीक है। एमटेक भगवान का फॉसिल रिकॉर्ड मत जाओ ना यार, प्लीज तुसी ना जाओ। शर्मा जी तुसी ना जाओ, कल आऊंगा। अच्छा सुनो गॉड का शर्मा जी रिकॉर्ड दिखा जाओ यार। अच्छा सुनो शर्मा जी, जाने के पहले सिर्फ ये बता दो कि कृष्ण कितने पुराने थे, मतलब कितना, कितने हजार साल? 5,000 साल पुराने कृष्ण थे। और राम, राम कोई ऐसे होंगे 12 लाख 12 लाख साल पुराने राम थे और 12 लाख 5,000 साल पुराने कृष्ण थे। अच्छा, काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं हो गया सर? तो मतलब 12 लाख साल पहले तो आप भी नहीं थे, तो आपको कैसे पता चल गया? मतलब जब मैं होऊंगा तभी कोई बताऊंगा, ठीक है। हाँ क्या यानी कि मैं होऊंगा तो ही उसकी सच्चाई होगी मेरे नहीं, ये जो नहीं, ये जो घुट्टी आप हमको पिला रहे थे ना, अभी मैंने आपको पिलाई, देखो तो आप फिर उल्टा जवाब दे दिए। हाँ उल्टा जवाब देने लगी। हाँ जब 12 लाख साल पुराना पर आम को पहुंचा दिए, तो भाई आप थे क्या उस समय, जैसे हमसे पूछ रहे थे आप अभी? हाँ पूछ रहे थे डार्विन ने क्या देखा इंसान बनते हुए, तो अच्छा आपने राम को कब देखा पैदा होते हुए?
देखा था पेड़ पैदा होते हुए देखा राम को। अच्छा सर ये बताओ हनुमान जी उड़ते थे क्या? कल आता हूँ सर मैं, ठीक है कल आऊंगा, कल बताऊंगा। अरे भाई सब बता के जाओ नहीं यार यार प्लीज प्लीज यार बता के जाओ ना। अरे भाई भागो मत यार यार प्लीज बता के जाओ। कल तो स्ट्रीम ही नहीं है यार हमारी, कल स्ट्रीम नहीं है यार प्लीज। आज ही कर लो हमसे जो बात करना है यार, आज पूरा हमारा। हाँ आज दिक्कत क्या है यार, आज क्या हो गया? पढ़ के नहीं आए थे बुला रहे क्या? प्रिपरेशन करके नहीं आए थे क्या? नहीं कोई इसमें प्रिपरेशन लगती नहीं है, मैं तो अभी सटासट दिखा दिया सब चीज। इनको तो करना पड़ता ना सर, अभी 12 लाख साल पहले देखने गए थे वो राम को जन्म भी तो देखने जाना पड़ता ना, अभी वो जाएंगे। अच्छा हनुमान जी उड़ते थे क्या? शर्मा जी ट्रेवल मशीन इनके पास है। हनुमान जी उड़ते थे? साल पुराने लगते मुझे। एवोल्यूशन किसने देखा सर ये तो बताओ। अरे भाई साहब पहले राम तो बता दो, 12 लाख साल पहले। चलो किसी ने नहीं देखा ठीक है, 12 लाख साल पुराना राम आप कहां से देख लिए बता दो। चलो अभी तो आप हकीकत कह रहे थे एवोल्यूशन हुआ था। हाँ अभी तो आप उसके रिकॉर्ड दिखा रहे थे। अरे आप ही के देखो जैसे ही आपको मैं आपको गुट्टी पिलाता हूँ फिर से कहीं से निकल जाते हो आप। मेरा गुट्टी पियो ना, चले गए चले गए तो भाग गए। अरे ये तो बड़ा लॉस है, बड़ा लॉस हो गया। नहीं बड़ा लॉस हो गया। ये लोग बोलते हैं कि फिर ये आरक्षण की वजह से सही टैलेंट को जगह नहीं मिलती, अगर ऐसे ही टैलेंट भरे हैं ना मिले जगह, ऐसा टैलेंट तो जगह ही ना मिले भाई, उस जगह खा जाओ। उन्होंने स्टार्टिंग से घटिया क्वेश्चन किया एक तो, और मेरे को तो ये लगा भाई उससे डिग्री विग्री पूछे तो मेरे को लगा कहीं ये भी एमटेक ना बोल दे खुद को। तो लग रहा था मेरे को भारत सरकार से कहना पड़ेगा बीटेक और एमटेक बंद करवा दो फिर। करवाना ही पड़ेगा अगर ऐसे लोग अगर बताए ना अपने को एमटेक बीटेक तो पक्का मेरे को लग रहा है बंद कराना पड़ेगा। एक और आ गए लोग ऑनलाइन।